किशन शर्मा फिटनेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका किशन शर्मा। आज आप लोग लाया न्यू वीडियो, तो सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगा क्योंकि इतने दिनों का गैप हो गया। उसके बीच में बहुत सारे आपको मैंने देखा होगा कंपटीशन की वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी, कंपटीशन के लिए वो तैयारी कर रहा था इसलिए कंपटीशन की वीडियो मैंने अपलोड किया, और देन थोड़ी होली रेगली चला गया था तो इसलिए मैं नहीं वीडियो कर पाया। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मास्टरबेशन के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मास्टरबेशन करना अच्छा है या नुकसानदायक है, गुड या बैड, वो सारे मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मास्टरबेशन हम लोगों के लिए ज़रूरी है या करना शरीर के लिए खराब कर सकता है या आपकी बॉडी को सही तरीके से बनने में नुकसान भी कर सकता है। तो ये आज पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए स्किप ना करें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन है जाकर सब्सक्राइब करें, एंड आइकॉन का बटन है उसे भी टच करें ताकि मेरे न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं मास्टरबेशन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी जो है बहुत ही बुरे हालत तक चली गई है और बहुत लोगों की अच्छे में भी है। तो कैसे, कब, क्या सही है कि नहीं, ये बहुत सारा सवाल है। कब, क्यों, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो रहा है, शायद इसी के कारण मास्टरबेशन के कारण। तो मास्टरबेशन एक ऐसा शब्द है और ये एक ऐसा जो है वो नेचुरल है, इसमें कोई भी आपकी कोई कुछ भी बोल दे मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। बट मास्टरबेशन का तरीका है, मीन्स मास्टरबेशन हर कोई के लिए सही मायने में देखा जाए तो आपको मैं बता दूं मास्टरबेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो भी नेचुरल चीज़ हम लोग जो भी प्रोटीन कार्ब सब ले रहे हैं, तो एक तरह का मास्टरबेशन अगर वो नहीं हो तो वो बॉडी नुकसानदायक पहुंचा सकती है फ्यूचर में। तो मास्टरबेशन करना ज़रूरी है, बट इससे किसी भी चीज़ को, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को, चाहे आप कुछ भी काम भी हो या अधिकतर आप जिम जाके अधिकतर आप व्यायाम कर रहे हो 13 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। या आप अधिकतर खा रहे हो, दवा दवा के खा रहे हो, तो वो भी नुकसानदायक है। तो कुछ चीज़ भी अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए वो नुकसानदायक है। तो अब ये मैं बताने वाला हूँ कि मास्टरबेशन करना इम्पोर्टेंट है, बट लिमिट में रह के करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट, कोई भी चीज़, अगर आप कोई चीज़ के नशा भी करते हो तो अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक है और आपकी बॉडी को हानि पहुंचा सकती है और आपकी अच्छी फिजिक को भी ख़राब में ले जा सकती है। तो इसलिए आप मास्टरबेशन, अगर आपको ये हो तो आप 15 दिन में 1 टाइम या महीने में 2 टाइम 3 टाइम मैक्सिमम आप याद अपने आप को रखें। अगर आपकी वो आपकी एलिवेस्टी मैंने कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हार्मोन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप किस कैपेसिटी में हो, तो आप अपने अनुसार से आप देखें कि आप बॉडी बिल्डअप कर रहे हो। अगर आप नेचुरल, मतलब आप जिम वूम नहीं जा रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से 4 बार सही है मंथ में। बट अगर आप अगर अच्छी फिजिक बनाना निकले हो, अच्छी बॉडी करना चाहते हो, अच्छी कट लाना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो मास्टरबेशन से बहुत ही ज़्यादा आपको दूर रहना होगा। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ना है, बट कम कर देना है। और अच्छी फिजिक बनाने में आपको खान पान में सही से ध्यान देना है और इस चीज़ को अपने माइंड से हटाना होगा। मंथ में 2 टाइम्स मिनिमम में, मैक्सिमम में भी अगर आप अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो तो इससे दूर रहें। एंड जो माइंड को स्टार्ट होती है ना मेमोरी में, तो वो रात के टाइम में जब ज़्यादा आपके ये माइंड में ये होता है, तो मेरे हिसाब से आपको नाइट में या तो कुछ किताबें पढ़ें या तो आप अच्छी मोटिवेशनल
वीडियो देखें बॉडी बिल्डिंग का या चैंपियनशिप का, या आप जो भी करना चाहते हो, जैसे मेन फिजिक में आप करना चाहते हो या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो, या कुछ ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखें जो मोटिवेशनल हो, जो आपको आगे कल के लिए तैयारी करने में मदद करे। ऐसे वीडियो देख के आप सोओगे तो आपका वो कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपकी माइंड जो है, आपकी माइंड वही अटकी रहेगी कि मुझे बेटर करना है, अच्छा करना है, और भी अच्छा करके मुझे अपने आप को दिखाना है। तो ये चीज से आप दूर रहें और कोई तरह का वेबसाइट में ना जाए, एंड अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन करें और सही तरीके से खाएं और इससे दूर रहें, और जो मैं बोला वही आप ध्यान दें। कोई भी नुकसानदायक तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा एवप में चले जाते हो, इच्छा करते हो, तो वो नुकसानदायक होता है। लिमिट में करें, सही तरीके से रहें, तो आपकी फिजिक अच्छी रहेगी। एंड नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल है, जिम नहीं जाते हैं, उनके लिए चार ज्यादा से ज्यादा चार, बट ऐसे भी लोग हैं महान आत्मा सब जिन्हें बोलेंगे, महान ज्ञानी सब, जो 10 से 15 बार भी हो जाते, तो वो लोग से दूर रहें। वो लोग जो करते करने दें, अगर वो लोग भी अच्छा करना चाहते हैं तो मेरी बात को समझें एंड सही तरीके से यूज करें, तो उनकी बॉडी अच्छी बनेगी। तो यही थी मेरी वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंचे एंड वो समझ सकें। और अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है जो नए देख रहे, सब्सक्राइब जरूर करें एंड आइकॉन का बटन टच करें ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भी बहुत सारी वीडियो हैं, जाके आप देख सकते हो, मेरी सारी लिस्ट आ जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड सही तरीके से रहें एंड अपनी बॉडी को फिट बनाएं, ना कि फैट बनाएं। तो फिट बनाएं एंड हम फिट तभी भारत फिट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।